रमजान में प्रचुर मात्रा में गर्मी पड़ती है और उस गर्मी में हम कुछ स्पेशल ऐसी सब्जियां बनाते हैं जो हमारे शरीर की तासीर को मेंटेन करती है, टेम्परेचर को मेंटेन करती है और फाइबर वाली चीजें हम खाते हैं। तो उसके लिए आज हम लसोड़ा और मेथी दाने की सब्जी बनाना सीखेंगे जो इंस्टेंट बनेगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो आइए झटपट से ये लसोड़ा मेथी दाने की सब्जी बनाना सीखें। तो ये मैंने आधा किलो गोंदे ले लिए हैं, इसे हम लसोड़ा भी बोलते हैं, राजस्थान में ही मिलते हैं ये और ये बहुत कम दिन तक ही आते हैं, एक या दो महीने तक आते हैं मई जून में, इसके बाद ये साल भर दिखते नहीं। तो इसका हम अचार भी डालते हैं और इसकी हम सब्जी भी बनाते हैं। गोंदा ले लिया, गोंदा आप मीडियम साइज का लें और कोशिश करें आप हरा हरा सा जो दिखे और इस तरीके से डंठल में डंडी से दिखे वो ही खरीदे। इस तरीके का पीला अगर हो तो उसे आप अलग कर दें और जब शुरू शुरू में आते हैं तब गोंदे में ये पीलापन नहीं रहता, लेकिन जैसे जैसे गर्मी होती है वैसे वैसे ये शेड होता रहता है। तो आप जब खरीदेंगे तो उसमें आप अगर पीला ऐसा गोंदा दिख रहा है तो उसे अलग कर देंगे। सेम ट्रिक्स होती है, उसे अगर हम ध्यान में रखें तो हम अचार भी परफेक्टली बना सकते हैं और सब्जी भी। इसके लिए दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि इसकी जो टोपी है इस डंडी से अलग नहीं होनी चाहिए जब हम खरीदें, और जब हम इसको कटिंग करेंगे और कैसे हम इसको उबालेंगे ये भी हम देखेंगे। तो कोशिश करें आप इस तरीके से जो झुंड में हो वही आप खरीदें। और इसके साथ हम केरी यूज करेंगे, तो आधा किलो मैंने गोंदे ले लिए, तो इसके साथ मैंने स्वादानुसार तीन केरी ले ली। अगर आप कम खट्टा खाते हैं तो आप कम कर दें और अगर तीखा खट्टा खाते हैं तो आप केरी की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। इस गोंदे को हम कट कैसे करेंगे, इस तरीके से कि इसकी जो ऊपर की केप है ये अलग ना हो, और कैंची की सहायता से इस तरीके से हम इसको अलग कर देंगे, क्योंकि अगर हमारी केप पहले खुल गई तो हम जब इसको उबालेंगे तो पानी अंदर चला जाएगा, चिकनाहट हो जाएगी और गोंदा हमारा बिखर जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इनको अलग कर लेती हूँ। एक बर्तन में हम गोंदे डूबे इतना हम पानी गर्म होने के लिए रखेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, इससे हमारे लसोड़े गोंदे का जो कलर है वो बहुत फाइन निकल के आएगा। आधा किलो गोंदे में हम आधा कप मेथी दाना यूज करेंगे, सूखा मेथी दाना है ये, इस सीजन में नया मेथी दाना भी आता है, अगर आप वो यूज करते हैं तो और भी टेस्टी लगता है। तो ये आप अपने स्वादानुसार मेथी का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि अचार की तरह इसको बनाएंगे और सब्जी के रूप में खाएंगे तो इसमें जितना अच्छा मसाला होगा उतना अच्छा। दूसरा, गोंदे के अंदर काफी फाइबर होता है और इसकी तासीर ठंडी होती है गर्मी के हिसाब से, और मेथी जो है ये भी फायदा करती है, तो हम इसको ज्यादा मात्रा में भी रख सकते हैं। तो इसे हमें कोई ओवरनाइट या दो तीन घंटा भिगोना नहीं है, बस हाथों हाथ ही हमें इसको यूज करना है। तो अभी इसमें हम पानी डाल करके दो बार धो लेते हैं, धो दिया है और ये पूरी डूबे इतना इसमें हमें पानी डालना है और इसे हम गर्म होने चढ़ाएंगे। मेथी दाना हम इस तरीके से क्यों यूज करें ये भी मैं भी आपको बताऊंगी, क्योंकि मेथी दाना वैसे काफी सेंसिटिव होता है, अगर हम इसको ओवरनाइट या दो से चार घंटा भिगो करके यूज करते हैं इसको, इसका दाना फूल करके खुल जाता है, तो खुला हुआ दाना हमें अचार में या सब्जी में यूज नहीं करना है, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है, उसमें चिकनापन हो जाता है। लेकिन हम अचार में क्या करते हैं, कच्चा मेथी दाना डालते हैं जो धीरे धीरे तेल मसाले के साथ फूलता है, तो ऐसे ही हम सब्जी में करने वाले हैं कि उसको हल्का सा हमें गलाना है, इसका दाना साबुत रहना चाहिए, फटना नहीं चाहिए और चिकनाहट नहीं होनी चाहिए, तभी हमें सब्जी में मजा आएगा। तो अभी इसको हम गर्म होने चढ़ाते हैं, ये मैंने चढ़ा दिया है, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी ताकि इसमें भी अच्छे से नमक का स्वाद आए, थोड़ा नमक डाल देती हूँ। और इसको सिर्फ हमें एक उबाले तक ही पकाना है, ऐसा नहीं कि पूरा उबाल करके इसको पकाना है, ज्यादा गलना नहीं चाहिए, तो तेज आंच पे हम इसको एक बार एक उबाला तक पकाएंगे। इधर हमारा लसोड़ों के लिए भी पानी गर्म हो गया है, इस गर्म पानी में हम अपने ये लसोड़े डाल देंगे और इनको हम 5 से 7 मिनट अच्छे से उबलने देंगे। हम इसको दबा करके एक बार चेक करेंगे, इनका हल्का सा येलो कलर भी हो जाएगा, हल्दी का कलर चढ़ जाएगा, इनका नेचुरल जो हरा कलर है वो पीले के साथ मिलकर के बहुत ही सुंदर कलर ले लेता है, तो इसकी पहचान है ये। और फिर हम हल्का सा जब दबा करके देखेंगे थोड़ा सा गलने जैसा हो जाएगा, तब तक हम इसमें पकाएंगे, तो जब हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। इसको होने देते हैं तेज आंच पर और बिना ढके हम इनको पका रहे, तो देखिए एक उबाला आ रहा है इसमें, इतना ही हमें इसको पकाना है। और अब हम गैस बंद कर देंगे और जो एक्स्ट्रा भाप है, इतना तेज गर्म है ये पानी,
तो इसमें हम 2 से 3 मिनट रहने देंगे बस, इससे ज्यादा नहीं। और फिर इसको छलनी पर एक करके हम ठंडे पानी से धो देंगे ताकि इसका अगर कोई कड़वापन निकल गया होगा तो वो ठीक हो जाएगा और इसका जो ओवर कुकिंग का प्रोसेस है वो भी रुक जाएगा, क्योंकि हल्का सा दाना हमारा इसमें भीगने के बाद फूल जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं 1-2 मिनट। तो एक्स्ट्रा भाप निकल गई, अब इसे हम छलनी पर निकाल के इसको ठंडे पानी से धो लेते हैं। तो देखिए छलनी पर डाल करके मैंने इसको ठंडे पानी से धो लिया ताकि इसकी ओवर कुकिंग ना हो, और हम हल्के से अगर दबाएंगे हाथ से तो ये हल्का सा दब रहा है, बस इतना ही हमें करना है। अभी ये पड़े पड़े थोड़ा सा और फूल जाएगा, तो इसको होने देते हैं पूरा ठंडा। सब्जी में अचार वाला टेस्ट और लुक आए उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़े मसाले पीसेंगे। अगर हम इस तरीके से पूरे ही डालेंगे तो उस पर मसाला जो है लपटेगा नहीं, क्योंकि अचार में तो धीरे धीरे फूल करके मसाला गल जाता है, लेकिन सब्जी में इस तरीके का नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, तो अंदाज से थोड़ा सा जीरा लेंगे, जीरे की मात्रा थोड़ी रखेंगे और थोड़ी ज्यादा मात्रा में, यानी कम से कम 2 टेबल स्पून मैंने सौंफ ले ली है। आप सौंफ ज्यादा भी ले सकते हैं, इससे एक तो अचार की जो खुशबू है वो अच्छी आती है और इसकी तासीर भी ठंडी होती है। तो गर्मी में ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी रहती है, तो सौंफ की मात्रा ज्यादा रखें। पीली सरसों ले ली, आप इसको चाहे तो साबुत वाली यूज करें चाहे आप दाल वाली यूज करें, तो ये साबुत वाली तो इसमें डाल देती हूँ मैं, और बाकी के मसाले हम बाद में डालेंगे। तो इसको मैं हल्का दरदरा कर लेती हूँ, इससे क्या होगा मसाला हमारा लपेटमा बनेगा तो सब्जी बहुत अच्छी लगेगी। तो जितना ज्यादा मात्रा में आप मसाला लेंगे, ज्यादा मसाले वाली सब्जी पसंद है तो ज्यादा मसाले की मात्रा रखेंगे, तो उस हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसको पीस लेती हूँ हल्का दरदरा। तो 5-7 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने गोंदों को चेक कर लेते हैं। देखिए कलर भी जो है इनका चेंज हो गया, और अब इसको हम हल्का सा हाथ से दबा करके देखेंगे या किसी चाकू की सहायता से। तो देखिए ये गल गया, इससे ज्यादा हमको नहीं गलाना है, बस हल्का सा ये दबना चाहिए। अगर ज्यादा गल गया तो ये देखिए इस तरीके से चिकना हो जाएगा। तो अब हम इसको गैस बंद करके इसको छलनी पर निकाल लेते हैं। लहसुनों को हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, और अगर आप चाहें तो इनको कपड़े पर भी फैला लें ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हट जाए। पानी की बिल्कुल भी मात्रा नहीं रहनी चाहिए, अगर पानी रहता है तो हमारा अचार या सब्जी जल्दी खराब हो जाता है। तो इसको हम पूरी तरीके से ठंडा होके सूखने देते हैं। लहसुनें हमारे ठंडे होते हैं तब तक हम अपनी केरी को तैयार कर लेते हैं। तो केरी को हम छिलके सहित ही कद्दूकस कर लेंगे बड़े वाले छेद से। अगर आप चाहें कि रेशा पसंद नहीं है केरी का तो आप इसको बारीक काट सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से पसंद है ताकि मसाला अच्छे से बने हमारे लहसुनें पर। तो मैं इसको कद्दूकस कर लेती हूँ बड़े वाले छेद से इस तरीके से रेशे। अब लहसुनें हमारे पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं, अब इसकी हम ये जो केप है इसको हम रिमूव कर देंगे तो ये आसानी से हाथ से हट जाएगी। इस तरीके से हम इसको हटा देते हैं। अब इसकी हमने केप अलग कर दी और अब इससे हम गुठली अलग करेंगे। तो इसको हल्का सा हम इस तरीके से दबाते हैं तो ये गुठली अलग हो जाती है। गुठली काफी चिपचिपी होती है, तो इस तरीके से हम धीरे से हल्का सा दबाएंगे। तो इतना ही हमें उबालना, बहुत ज्यादा हमें उबालना नहीं है, ज्यादा उबालेंगे तो फिर ये गुठली अलग करने में भी दिक्कत आएगी। तो मैं इसकी सबकी गुठली अलग कर लेती हूँ इस तरीके से। सब्जी के लिए या अचार के लिए हम सरसों का ही तेल यूज करेंगे, इसी में इसका खट्टापन आता है और रंगत भी अच्छी आती है और टेस्ट भी आता है। तो इसमें हम थोड़ा सा ज्यादा तेल डालेंगे क्योंकि जो मसाले हैं वो तेल थोड़ा पियेंगे तभी मजा आएगा सब्जी खाने में। तो थोड़ा सा हम ज्यादा मात्रा में सरसों का तेल गर्म कर लेते हैं। तो तेल हमारा हल्का गर्म हो गया है, इसमें हम थोड़ी सी राई डालेंगे। हमने पीली राई भी डाली है और ये राई हमें चटकानी नहीं है, बस हल्का गर्म करना है इसे। इसमें हम कलौंजी डाल देंगे, कलौंजी से बहुत बढ़िया टेस्ट और लुक आता है सब्जी और अचार का। इसमें हम दरदरा किया हुआ हमारा सारा मसाला डालेंगे, ये भी थोड़ी ज्यादा मात्रा में डालेंगे तभी टेस्ट आएगा और खुशबू आएगी। अब इस मसाले को हमें हल्का से भुनना है। हरी मिर्ची हमने काट ली है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसी दरदरी की हुई लहसुन ये भी ऑप्शनल है, इनको भी हल्का सा ही भुनना है। अब इसमें हम कद्दूकस की हुई हमारी केरी डाल देंगे। अब केरी भी हमारी भुन गई है क्योंकि रेशा है तो जल्दी गल जाता है। इसमें हम अपने लहसुनें डाल देंगे। लहसुनों को भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इस तेल में भुनेंगे ताकि इनका जो एक्स्ट्रा चिकनापन है ये खत्म हो जाए। चिकनापन खत्म होगा तभी हम सब्जी को तुरंत खा सकते हैं। तो इसको हमें अच्छे से भुनना है। तो देखिए हमने जब इसको भुना
तो इसका चिपचिपापन भी खत्म हो गया और जो लसोड़े का साइज है आप देख पा रहे होंगे ये भी काफी फूल गया है, यानी अंदर तक तेल से इसकी जब अच्छे से बुनाई होती है तो इसका जो शेप है वो काफी लार्ज हो जाता है, यानी फूलता है ये। तो यही इसकी खासियत है। तो अब अच्छे से हमारा ये बुन गया है। इसमें हम मसाले डाल देंगे, तो हल्दी डाल देंगे, हल्दी भी अच्छी मात्रा में डालेंगे और धनिया पाउडर डालेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो ना डालें, पर गर्मी में किसी न किसी रूप में धनिया का उपयोग ज्यादा करते हैं तो अच्छा रहता है। इसमें हम थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डालेंगे, ये भी ऑप्शनल है, और स्वादानुसार आप लाल मिर्च पाउडर डालें, तो मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया, और स्वादानुसार नमक डाल देंगे, और आँच हम कम करेंगे और कम आँच पर हम इसको 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। तो मसाला भी हमारे अच्छे से मिक्स हो गया और अच्छे से कलर भी दे दिया इस मसाले ने। और अब इसमें हम अपने उबले हुए मेथी दाना डालेंगे। अब इन्हें भी हमें बहुत ज्यादा नहीं भुनना है, बस 1 से 2 मिनट हम इनको भुनेंगे और थोड़ा सा तेल अलग होने लगेगा फिर से, तब तक हम इसे भुनेंगे। तेल छूटने से क्या होगा, सब्जी जो है प्रिजर्वेटिव हो जाएगी, इसमें फफूंद लगने का डर नहीं लगेगा, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं। ना तो हमें पानी का यूज करना है, ना ही इसे हमें अभी ढकना है, बिल्कुल खुला इसको पकाना है, क्योंकि मॉइस्चर का भाग अगर इसमें रहेगा तो बहुत जल्दी फंगस हो जाएगी, तो इसलिए हम इसे खुला ही पका रहे हैं। तो अब मेथी दाना भी पक गया है, बहुत ज्यादा हमें नहीं पकाना है, और इसका जो तेल है वो अलग होने लगा है, तो बस अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम 10 से 15 दिन तक रख करके भी खा सकते हैं। ये पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इसके साथ पराठा बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए तेल अलग हो रहा है, अब हम गैस बंद कर देते हैं। हमारी ये लसोड़ा और मेथी दाने की सब्जी बनकर के तैयार है। आप अगर सफर में जा रहे हैं, ऑफिस के लिए लंच बॉक्स पैक कर रहे हैं, तो उसके लिए भी गर्मी के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें काफी फाइबर होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, तासीर इसकी ठंडी रहती है, तो गर्मी में लू लगने का डर नहीं रहता है इस तरीके की सब्जियां खाने से। तो आप भी इस सब्जी को एक बार बना करके जरूर देखें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।